आज बारिश का मौसम हो रहा है और ठंडी लग रही। गाइस देखिए कितना प्यारा नजारा है यहाँ का, बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स आने को नहीं मान रहे हैं। तो गाइस टेस्टी है, वैसे मैंने टेस्ट किया। एवरीवन, तो नेक्स्ट डे मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि रात को क्या हुआ था कि फिर पहले खाना लेट खाया, लेट आए थे, देन उसके बाद गप्पे शप्पे मारते रहे, बस व्लॉगिंग का ध्यान ही नहीं रहा। फिर थोड़ा इधर उधर, बस आपको पता इतने दिनों बाद अगर बहनें मिल जाती है और मम्मी साथ में होते हैं तो फिर काम बातें कहाँ खत्म होती है, तो बस फिर बातें बातें करते टाइम का पता नहीं चला, 2 बज गए थे, बस फिर व्लॉगिंग का ध्यान नहीं रहा। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 8-9 बजे का टाइम है यहाँ पे, और आप मौसम देख रहे हो कि आज मौसम कैसा हो रहा है यहाँ पर। देहरादून का मौसम देखिए पूरा मौसम खराब है यहाँ पे, आज बारिश का मौसम हो रहा है और मैंने दिखाया आपको, ये देखिए बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। बच्चे आनु बाबू कह रही शिवी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कह रही क्या कर रहा बच्चा, उठाना है, चलो। तो गाइस बच्चे कर रहे हैं मस्ती और मैं फिलहाल छत पे आई थी, छत पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट, मामा भांजी का फोटोशूट चल रहा है और मौसम अच्छा हो रहा है। वैसे मई के महीने में ठंड लग रही है, तो आज दोस्तों हम शाम को चले जाएंगे, तो अभी पूरे दिन रहेंगे बट शाम को चले जाएंगे और आज यहाँ पे देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ का एक फेमस मंदिर है बहुत कालसी मंदिर, तो अगर पॉसिबल हुआ जैसे बारिश वारिश अगर नहीं आए तो फिर जाते जाएंगे और आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। ये कह रही हो शिवी, ठंडी लग रही, ठंडी लग रही, ठंडी ठंडी। सो फ्रेंड्स दर्शन अप हो गए हैं हम लोग, नहा धो लिए हैं और सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लेकिन मेरी बहन के घर के पास ही जो मैंने बताया था कि मंदिर है कालसी माता का मंदिर, बहुत दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, तो सोचा है कि हम आज तक नहीं आए, मेरी बहन की शादी के आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं लेकिन हम अभी तक यहाँ पे मंदिर में नहीं आए, तो सोचा कि चलो अभी यहीं पे आते, घर के पास ही है, 2 किलोमीटर ही है, तो बस हम आए हैं माथा टेकने मंदिर में, पॉसिबल होगा तो फिर करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। माँ काली, तो दोस्तों ऐसी मान्यता है और कालसी माता जी का इतिहास कुछ इस तरह से है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो तब उन्होंने यहाँ पर कुछ समय बिताया था और यहाँ पर काली माता जी की पूजा किया करी थी, और तब से यहाँ पर जो माता का स्थान है वो बहुत ही पवित्र और सिद्धपीठ माना जाता है, तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब से और जौनसार से यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी सारी जो इच्छाएँ हैं, मन्नत है, वो माता रानी पूरी करती है, तो कहिए माता रानी की जय। लुक एट द व्यू गाइस, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, नीचे देखिए नदी है, ये देखिए नीचे नदी बह रही है और ऊपर ये सारा पहाड़ है, ये देखिए ये सारा पहाड़ है ऊपर और पहाड़ों के बीचों बीच नदी के पास है कालसी माता जी का मंदिर। सो गाइस, तो हमने कर लिए हैं कालसी माता जी के दर्शन, मम्मी कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, तो हम लोग बहुत साल बाद मतलब पहली बार आए यहाँ पर और मेरी बहन की शादी का 8-9 साल हो गया लेकिन अब हम आए यहाँ पर और माता रानी के दर्शन कर लिए, और बहुत ही अच्छी जगह है, जैसे कि आपने देखा पहाड़ों के बीच में है ये जगह, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में नदी है और बहुत ही प्यारी जगह है, अगर आप ऐसे भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, दर्शन के दर्शन हो जाएंगे और आप व्यू भी इंजॉय कर पाओगे, और मैंने आप लोगों के साथ व्यू शेयर किया है, तो देखिए कितना प्यारा व्यू यहाँ, ये देखिए ये मेन रोड हेड है, यहाँ पर है मंदिर। सो दोस्तों टाइम हो रहा है इस वक्त 3 बजे का, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं लगा रही हूँ मम्मी के बालों में मेहंदी, तो क्या करें, जिनकी बेटियाँ होती है और बेटियों की शादी रहती है ना उनके साथ ऐसे ही होता है,
क्योंकि टाइम नहीं होता घर में बिल्कुल भी नहीं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ बैठे हैं। तो मेरी बहन ने मम्मी का जो थोड़ा सा ब्लीच वगैरह कर दिया, क्लींजर वगैरह कर दिया, और अभी मम्मी के बालों में मेहंदी लगानी थी। तो काफी दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था वहाँ पे, घर में कौन लगाएगा, घर में कोई लगाने वाला है ही नहीं, मायके में लगाने वाला। तो फिर अब यहाँ पर टाइम मिला तो सोचा कि क्यों ना क्यों मेहंदी लगा दे मम्मी के बालों में। बोलते हैं बेटी है बेटी है, लेकिन बेटियों के बिना भी घर नहीं होता। माँ को बहुत मुश्किल होती है बेटी के बिना। लड़कियों की शादी हो जाती है तो फिर लड़की के बगैर होता है, लड़की कुंवारी होती है तो घर संभालती, शादी होती है तो उनका अपना घर परिवार होता है। तब हमें अपनी बहू का इंतजार है, अब पता नहीं बहू कब मिलेगी। आई होप जल्दी मिल जाए, जब बहू मिल जाएगी तो फिर हम भी टेंशन फ्री रहेंगे बहू होगी देखने के लिए, और तब तक हम ही है। तो दोस्तों हम बस जा ही रहे थे और मैं अपनी बहन की खिड़की के पास खड़ी थी, तो तब उसने बताया कि ये जो गाड़ी के ऊपर आप देख रहे हो ये जौनसाई लोगों के देवता होते हैं, और यहाँ पर लोग उनको अपनी नदी में ले जा रहे हैं नहलाने के लिए, और शायद उन्होंने पूजा वगैरह करी है तो उसके बाद वो ले जाते हैं नदी में स्नान कराने के लिए। तो देखिए ये है लोगों का विश्वास, पहाड़ी लोगों की श्रद्धा, जिनको बहुत ही भाव से बहुत ही अच्छे मन से वो अपने देवता को पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं। सो फ्रेंड्स, लोग यहाँ पर बैठने के बाद, शिवी का बर्थडे खाने के बाद, दो दिन इंजॉय करने के बाद फिलहाल अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। कल है बच्चों का स्कूल तो घर तो जाना ही है। बस सब लोग अब हम घर जा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है। वहाँ पे आ रही है पापा, मम्मी और मेरी बहन मोनू। चलो मम्मी आ गए और अब मेरी बहन आ रही है मोनू। हाँ भाई मोनू कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ मम्मी और आगे सब हम लोग सब आगे, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा, बुरा भी लग रहा है कि आप सभी लोग जा रहे हैं। क्या करना, बहन जाना तो पड़ेगा। क्या करना है, चलेगा इस, क्या करना, जाना तो पड़ेगा ही। अब क्या कर सकते हैं, बस अब निकलते हैं और एक डेढ़ घंटे में घर पहुँच जाएंगे बस। श्री मम्मी भी जा रही, कह रही मम्मी भी जा रही, मम्मी को जाने दे। तू जाएगी कैरी, जाओगे जाने, मम्मी को जाने दे, बाय कैरी बाय। अच्छा सोल्टीना जी बाय बाय। तुम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ है? चल रहे, तुम जब पापा के साथ जाओ। अभी हम छुट्टी पड़ेंगे तब जाएंगे ना बच्चा, छुट्टी पड़ेंगे मामा लेने आएगा तब जाएंगे। बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स आने को नहीं मान रहे। जाना तो पड़ेगा, अभी जाएंगे थोड़ी देर में, जाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर जाएंगे, अभी जाएंगे थोड़ी देर में जाएंगे। आ जाओ आ जाओ बच्चा, मेरा बच्चा, फिर आएंगे लेके आएंगे, अभी थोड़ी देर में आ रहे हम। तो गाइस फाइनली 8 बजे का टाइम होने वाला है और हम लोग पहुंच गए हैं पांवटा साहिब फिर से, और फिर से हम लोग बीकानेर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए गोलगप्पे खाने के लिए। कल भी क्योंकि ऐसा हुआ था कि गोलगप्पे मैं खा नहीं पाई थी जल्दी जल्दी, बट मेरा मन बहुत था खाने का, तो फिलहाल थोड़े से गोलगप्पे खाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसे बनते हैं यहाँ पे। वैसे मैंने पहले ट्राई किया था बट देखते हैं कि कैसा होता है, अच्छा या बुरा। टेस्ट करता हूँ कुछ, अच्छा लो कसो सामे, ठीक छे, बढ़िया छे, दुयारो लीतू ना, दुयारो लीतू, दु प्लेट लो, राशि खाओ पटे में लेती हूँ, फिर पहले एक बार खा लो आराम से खाना, आराम से खाओ, गिरा ना नहीं, ठीक छे।
सो गाइस टेस्टी है, वैसे मैंने टेस्ट किया। सो फ्रेंड्स टेस्टी है, पहले हमने दो प्लेट ली थी, टेस्ट करने के अच्छे लगे तो और चखी ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे घर में लगभग आई थिंक 8 बजे, तो 8 बजे आने के बाद फटाफट से हमने खाना वाना खाया और आके खाना बनाया। वैसे इतनी ज़्यादा भूख तो थी नहीं क्योंकि थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी खा लिया था, बस थोड़ा थोड़ा खाना खाया। मम्मी पापा भी आए हैं यहाँ पर, अभी सो गए हैं, कल सुबह मम्मी पापा चल जाएंगे क्योंकि हमारा जो मायके का रोड है ना सेम ही है, यहीं से मेरा मायका जाता है। तो फिर बस मम्मी पापा सब रेस्ट कर रहे हैं, सुबह जाएंगे यहाँ से, और बच्चे भी सो गए हैं, कल बच्चों का स्कूल है। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री श्याम।